के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। किसी भी नेक चीज़ जो अच्छी चीज़ जो आपके इस्तेमाल में है, देखें ना अबू दाऊद में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया कपड़ा पहनते थे, नया लिबास पहनते थे, तो बकायदा दुआ मांग करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा थौब वा रज़क़नी मिन ग़ैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा। खाने के बारे में भी दुआ आती है और इस तरह की नई चीज़ों के बारे में। तो लिबास अरबी में सिर्फ कपड़े नहीं है, जूती भी लिबास का हिस्सा है, पगड़ी भी लिबास का हिस्सा है। वो ये कह रहे जूती पाँव ही इस तरह नहीं, पाँव में क्योंकि पाँव उतार के फिर फेंक दें नहीं, तो पाँव भी तो है ना। और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक सहाबी ने पूछा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके कपड़े और जूतियाँ अच्छी हों, क्या यह भी तकब्बुर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, अल्लाह भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर यह है कि तुम हक बात से इनाद करो, यानी हक बात को कबूल ना करो जबकि दिल गवाही दे दे कि बात सच्ची है, और दूसरों को हकीर समझो। जब आप दूसरों को हकीर समझेंगे तो ये तकब्बुर की अलामत है, ठीक है ना जी। तो अगर आपने अच्छी जूतियां पहनी बहुत अच्छी बात है, पहने अच्छे कपड़े पहने, कोई तकब्बुर नहीं है, लेकिन इसकी बुनियाद पर दूसरों को हकीर ना समझे। तो जूती अगर खूबसूरती की अलामत है तो इस पर कोई मुबारकबाद दे देते कोई हर्ज नहीं। इस तरह पब्लिक में यह भी मशहूर है जी, वो नमाज पढ़ते हुए आगे जूती पड़ी हो तो नमाज नहीं होती है, वो एक लतीफा भी है ना, कहते हैं जी आगे जूती रखे तो नमाज नहीं होती, पीछे रखो तो जूती नहीं होती, यानी चोरी हो जाती है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है इस हवाले से। अब लोगों को चूंकि दीन का इल्म नहीं है, लोगों में तो बड़ा बड़ा कुछ मशहूर है इधर जूतियों के हवाले से। वो एक इलियास कादरी साहब भी बयान कर रहे हैं कि जी मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि काली जूती जो है ये मुसीबत लेके आती है, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल झूठ है ये, कोई ऐसा कॉल नहीं है उनकी तरफ। और दूसरा ये कि काली जूती तो आप कोई भी लें उसका तलवा तो काला ही होता है उमूमन, ठीक है जी। तो वो फिर पीली चप्पल उन्होंने वो बनाई हुई है, वो आप देखें पीली चप्पलें भी उन्होंने पहनी हुई हैं। तो बस ये इसी किस्म की यानी मन घड़त चीज़ें हैं। क्या ज़ुल्किफ़्ल का जिक्र कुरान और हदीस में कहीं और भी आता है? आता है ना जी, सूरह साद में भी आया ना, एक जगह ही आ गया बहुत है। क्या ये नबी बनी इसराइल ही में मबूस हुए थे? इसकी दलील कहाँ मिलती है? कोई दलील नहीं है जी हमारे पास ज़ुल्किफ़्ल के बारे में। बाद लोग ये भी कहते हैं कि ये जो बुधा है ये शायद ज़ुल्किफ़्ल ही थे और वो उसको संस्कृत से उस तरह ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वल्लाहु आलम, हमें कोई डिटेल नहीं बताई गई। सैकड़ों हजारों पैगंबर आए हैं, वह इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उसमें कोई डर सुनाने वाला ना भेजा हो, हर उम्मत में कोई ना कोई डर सुनाने वाला आया, लेकिन हमें उसकी तफसीलात नहीं। कुरान हकीम में बाई नेम सिर्फ 25 अंबिया का जिक्र आया है, 25 का, बाकियों के नाम भी नहीं आए, ना को मजारात के एड्रेस आए हैं कि फलां जगह आप हाजिरी दे सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि अंबिया की तालीमात क्या हैं। वो कुरान हकीम में तमाम नबियों की दावत का खुलासा यही कुरान हकीम है, और वो अल्लाह ताला ने कांटे की बात सूरतुल आला में कर दी। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली भी। इन हाज़ा लफिस सुहफिल उला, यही एक बात थी कांटे की जो तमाम आसमानी सहीफों में थी इससे पहले जो कुरान के नाजिल हुए, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, चाहे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे हों या मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे, एक ही बात थी कांटे की कि असल जिंदगी आखरत की जिंदगी है और दुनिया की जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है, आखरत की जिंदगी हमेशा की है, दुनिया की खत्म हो जाने वाली है।